गाइस कैसे हैं आप लोग, आपका दोस्त अरु टेक्निकल आपके बीच में आ गए हैं एक और सीरीज़ लेकर के। मैकेनिकल जो फ्लूइड मैकेनिक्स चल रही थी उसमें से आ गए हैं। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जितने जे लेवल या जितने भी टेक्निकल लेवल से तैयारी कर रहे होंगे एग्जामिनेशन की, पता होगा उन्हें कि एक होती है मेरी बर्नौली इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं उसको, क्या देख लेते हैं। अच्छा, दो मार्कर मैं क्यों लाता हूँ, चूँकि मेरा पुराना मार्कर ख़त्म हो गया है और दूसरा मार्कर मैं लाना भूल गया, इसलिए दो लाता हूँ, एक बन तो एक चलेगा। चलो देख लेते हैं, क्या देख लेंगे आज, हम बात कर लेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की। जिसने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा और वो इत्तिफाकन एक इंजीनियर था तो उसने बहुत कुछ पढ़ा, और जिसने फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ा और वो इत्तिफाकन इंजीनियर था तो उसने कुछ नहीं पढ़ा। तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा पार्ट है इंजीनियरिंग का कि जो बहुत ही बहुत उम्दा टाइप का है, बड़ा खूबसूरत है। देख लेते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में जब हम आ जाते हैं तो एक मेरे आते हैं भाई साहब, उनको क्या बोलते हैं, बर्नौली इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन। जब मैं बर्नौली इक्वेशन की बात करूंगा तो बर्नौली साहब देखे, उन्होंने इस नियम को दिया था, इसको बताया था कि भाई इसको बोल देना एनर्जी, इसको बोल देना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एग्ज़ाम में जब आपका एग्ज़ाम होगा उस टॉप से तुरंत पूछेगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन कौन है, तो तुम ठोक क्या ना बर्नौली इक्वेशन, तुम ठोक क्या ना बर्नौली इक्वेशन। दूसरा पूछा है कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन, तो वो A1V1 and A2V2 है, यानी कि वो है आपकी उसको बोलते हैं क्या नाम है, ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है मतलब बर्नौली, वो कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन होती है A1V1 into A2V2, मतलब कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन में क्या आएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। लेकिन अगर बोले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हम क्या कब लगा जाएंगे, बर्नौली साहब की। कौन सी, बर्नौली साहब की। देख लेते हैं इसका एक और नाम है मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका एक दूसरे का और नाम है कि मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई साहब इसका दूसरे का और नाम है मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब इसके अजम्पशंस देख लेते हैं, बर्नौली साहब की अजम्पशंस क्या हैं। फर्स्ट कह रहा है कि ये आइडियल होना चाहिए, ये फ्लूइड कौन सा हो, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। कौन सा हो, आइडियल। आइडियल का दूसरा नाम क्या है, भगवान जी फ्लूइड, मतलब जिसमें कोई खराबी कोई दिक्कत ना हो वो आइडियल फ्लूइड है, और ऐसा फ्लूइड होना भगवान जी फ्लूइड कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। दूसरा कंजम्पशन है इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल मतलब कह रहा है कि आपको इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करना है, आपको इस दुनिया में रहना भी है और आपके पास तकलीफ़ें भी ना हों, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल, मतलब फ्लूइड है और इनकम्प्रेसिबल हो, हम उसको दबाएं भी वो दबे भी ना। जैसे हम कुछ आपसे बोल रहे हैं कि आप कैसे हैं और आपके तक आवाज़ ही ना जाए या आप सुने ही ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं ना कोई भी चीज़। जैसे मैं आँखें बंद कर लूँ, आँखें बंद करो फिर मुझे कोमुना सौर संसार दिख रहा है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, अलग चीज़ है वो, लेकिन अभी दिखेगा नहीं आपको। इसी प्रकार लेकिन ये कह रहा है नहीं, आपको आंखें बंद करने पे भी दिखेगा, ये जिद कर रहा है, उसलिए हमको क्या बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ है कि वैलिड फॉर लैमिनार, वैलिड फॉर लैमिनार मतलब लैमिनार फ्लूइड होना चाहिए, कैसा हो, लैमिनार फ्लूइड हो। तीसरा कह रहा है स्मूथनेस फ्लो हो, कौन सा फ्लो हो, स्मूथनेस फ्लो हो मतलब स्मूथनेस हो, बहुत
बहुत स्मूथली फ्लो करे। स्मूथली का मतलब है कि आराम आराम फ्लो करता जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। या तो लैमिना करेगा, या तो लैमिना फ्लो। देखिए लैमिना फ्लूड की मैं बात करूँगा या लैमिनार की बात सेम है, लेकिन लैमिना अगर एग्ज़ाम के टॉप से आ गया तो फिर वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि भाई ये क्या आ गया, ये कुछ नहीं आ गया, ये आपका लैमिना बनम लैमिनार आ गया, हो गया। दूसरा इरोटेशनल, दूसरा इरोटेशनल, तीसरा नॉन विस्कस, चौथा सरफेस टेंशन रफनेस, हाँ टेंशन बात कर लो, सरफेस टेंशन ज़ीरो। ये बर्नौली साहब बता के गए, बर्नौली साहब सिखा के गए हैं कि जो मेरी इक्वेशन होगी वो एनर्जी इक्वेशन होगी, मेरी इक्वेशन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे आधारित होगी, बेस्ड होगी। और सिखा के गए हैं कि फ्लूड आइडियल होगा, मतलब भगवान जी होगा, कोई बदलाव नहीं होंगे। जैसे भगवान जी का मतलब कोई उसमें उनमें कोई खराबी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जब चाहो तब प्रकट है, जब चाहो वो करवा लो, इसी प्रकार से कोई समस्या कोई परेशानी नहीं, इनकम्प्रेसिबल, दाबोगे दबेगा नहीं, इनकम्प्रेसिबल होगा। वैलिड फॉर लेमिनार मतलब लेमिनार के लिए, परतों में चलेगा, स्मूथ फ्लो मतलब आराम आराम फ्लो करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर इरोटेशनल मतलब जब फ्लो करेगा तो घूमेगा नहीं, सीधा जाएगा। नॉन विस्कस ये नहीं कि अगर आप फ्लो को फेंकोगे तो कहीं रुक जाएगा, चलता चला जाएगा। सरफेस टेंशन ज़ीरो, सरफेस टेंशन का मतलब जो तनाव होता है लिक्विड में वो ज़ीरो होगा, ये कह रहा है कि ज़ीरो, ये कह रहा है कि ज़ीरो, चीज़ें क्लियर है। तो मेरे जो बर्नौली साहब थे वो बताना ये चाहते थे कि जो मेरा फ्लूड है बर्नौली इक्वेशन है इज़ अ बेस्ट इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन इज़ अ बेस्ट इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन कहीं भी पॉसिबल नहीं है जो मैं बना के जा रहा हूँ, इनका मानना यह था, ये दिखाना चाहते। तो ठीक है आप दिखाना चाहते हैं, मान लेंगे। तो इनका मतलब यही है कि बर्नौली का मतलब ये होता है कि बहुत ही शानदार इक्वेशन, उसमें सारे गुण इन्होंने निपुण कर दिए, ये है वो है वो है, तो एनीवन ठीक है, इसलिए इक्वेशन को हम ये मानेंगे। चलो अच्छा, अभी इन्होंने बताया क्या था वो इक्वेशन देख लेते हैं, इन्होंने क्या बताया था भाई साहब, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था पी बटा डब्लू प्लस वी स्क्वायर बटा टू जी प्लस जेड इक्वल टू सी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है। अच्छा अगर मैं बात कर लूँ, देखो एक ये कम पड़ गया है, अब इससे लिखेंगे, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा इन्होंने जब बात किया इस पार्ट की तो P बटा W इन्होंने क्या दे दिया कि P बटा W प्लस वी स्क्वायर बटा टू जी प्लस जेड इक्वल टू सी मतलब कांस्टेंट। ये बर्नौली साहब ने इक्वेशन दिया और बताया भी है कि यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, पी बटा डब्लू की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरी है प्रेशर एनर्जी, ये मेरी कौन सी एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी। अगर मैं बात करूँ इस पोर्शन की, अगर मैं बात करूँ इस पोर्शन की वी का बेटा टू जी, ये क्या है, ये है मेरी काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी। मेरे भाइयों बहनों कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। तीसरा पार्ट है सी जेड, जेड क्या है, जेड है ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत, तो इन्होंने क्या बताया कि P बटा W प्रेशर एनर्जी, V ओवर 2G काइनेटिक एनर्जी, एंड Z क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर आपने एजम्पशंस पढ़ लिए हैं, बोर्ड की होला, अच्छा अगर आपने एजम्पशंस पढ़ लिए हैं तो आगे चलते हैं और इसको मिटाना है फिर अब देखना है। मेरे दोस्तों का बंद हो गया, हाँ मेरे साथियों इक्वेशन क्या थी, P बटा W प्लस वी स्क्वायर बटा टू जी प्लस जेड इजकल टू सी। अब इन्होंने कहा है कि इस इक्वेशन को आप इनफाइनाइट भी लिख सकते हो, इस इक्वेशन को आप इनफाइनाइट भी लिख सकते हो, कैसे, ऐसे पी वन बटा डब्लू प्लस वी वन स्क्वायर बटा टू जी प्लस जेड वन इजकल टू
पी टू बटा डब्लू प्लस वी टू स्क्वायर बटा टू जी प्लस जेड टू इजकल टू पी थ्री बटा डब्लू प्लस वी थ्री स्क्वायर बटा टू जी प्लस जेड थ्री इजकल टू इनफाइनाइट हम इस इक्वेशन को इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं कि पी वन बटा डब्लू प्लस वी वन स्क्वायर बटा टू जी प्लस जेड वन इजकल टू पी टू बटा डब्लू प्लस वी स्क्वायर बटा टू जी प्लस जेड टू इजकल टू पी थ्री बटा डब्लू प्लस वी थ्री स्क्वायर टू जी प्लस जेड थ्री इजकल टू इनफाइनाइट। अब इन्होंने इक्वेशन में क्या बता दिया है कि ये इनफाइनाइट तक जा सकती है, ये इनफाइनाइट तक जा सकती है, तो इसमें हमें यही करना है। ठीक है, इनफाइनाइट तक ये जा सकती है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब इसमें ये पोर्शन क्या है, प्रेशर एनर्जी का, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी का, ये क्या है ग्रेविटेशनल, देखो प्रेशर एनर्जी, प्रेशर का मतलब ये होगा जब कोई फ्लूड फ्लो करता है तो जो प्रेशर पीछे से अप्लाई होगा फ्लूड में वो बात कर रहा। ये क्या है वी स्क्वायर टू जी काइनेटिक, काइनेटिक मतलब जब एनर्जी फ्लो करने, जब फ्लूड मेरा फ्लो करेगा एज ए इंस्टेंट, जैसे जैसे फ्लूड रखा हुआ है जैसे वो फ्लो करेगा उसके तुरंत इंस्टेंट टाइम पे जो एनर्जी वहाँ पे उत्पन्न होगी वो काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होगा कि जब फ्लूड रुका है एकदम है तो उस पर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल एंड पोटेंशियल रुकी हुई एनर्जी, उसमें एक ऐसा होता है कि जब जैसे कि सपोज दैट आप किसी जार में पानी ले लें 5 किलो, तो देखेंगे वो रुका होगा कुछ वेट होगा, अगर वो वेट आप इस पर लगा दोगे तो ये नीचे चला जाएगा, मतलब उसमें कुछ एनर्जी है जिसकी वजह से ये वर्क हो रहा है। उस रुके हुए रुकी हुई जो कोई पार्टिकल होता है जो उसमें एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल, और जो उसकी वजह से जो नीचे की तरफ फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी एनर्जी। और उसके बाद जो एनर्जी टर्म आया, जैसे हमने क्या बोला ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल का मतलब जो पृथ्वी की तरफ खिंचाव है उसकी वजह से, और उसके बाद पोटेंशियल मतलब जो रुका है उसकी वजह से जो, फिर उसके बाद एनर्जी, एनर्जी का मतलब इन दोनों चीज़ों की वजह से जो चीज़ें रुकी हैं उनकी वजह से जो वेट है किसी भी उसके जो साइड में पार्टिकल उसमें जो चेंजेस आएंगे उसको हम एनर्जी बोलेंगे। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, मेरे पास एनर्जी है, कौन सी वॉइस एनर्जी, मैं बात कर रहा हूँ तो आप तक सुन रहे हैं और आपके पास एनर्जी है कि वॉइस को एब्जॉर्ब करने की, मेरे पास क्या है वॉइस को वो करने की छोड़ने की, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको दे रहा हूँ और आप रिसीव कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि ये भी एनर्जी है। इसी प्रकार से एक ग्रेविटेशनल होती है, एक ये प्रेशर है जो प्रेशर हो रही है, ये काइनेटिक है जो चलेगा तब, और ये जेड क्या है पोटेंशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी मतलब जब फ्लूड रुका होगा, और ये क्या है सी कांस्टेंट, एक है सी कांस्टेंट। चीज़ें समझ में आई, अगर चीज़ समझ में आई हैं तो ठीक है, इस गर्मी में पढ़ते रहिए, गर्मी बहुत है सुबह शाम नहाते रहिए और ठंडा रहिए, दिमाग ठंडक से पढ़ते रहिए, पसीना तो इतना आ गया कि कहाँ कहाँ से निकल रहा है बता नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्लास बहुत मेहनत से बन रही है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करिए चूँकि, ठीक है ओके बाबा, अगली क्लास में कल मिलते हैं।